असलम स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर थ्री कंट्रोल स्ट्रक्चर्स फर्स्ट टॉपिक थ्री पॉइंट वन इंट्रोडक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम स्टूडेंट्स कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बेसिकली किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं यानी कि किसी प्रोग्राम में कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी कौन सी लाइन बाद में एग्जीक्यूट होगी प्रोग्राम किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा ये तमाम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल करते हैं नेक्स्ट आर द टाइप्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन बेसिक दीज आर सीक्वेंस सिलेक्शन एंड लूप आज हम सीक्वेंस डिस्कस करेंगे सलेक्शन और लूप हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ऑल प्रोग्राम्स यूज सम ऑफ दिज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक यानी तमाम प्रोग्राम्स एक्जीक्यूशन में इन तीनों कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में से कोई ना कोई स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं फर्स्ट है सीक्वेंस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम डिस्कस किए हैं उन तमाम प्रोग्राम्स में कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली सीक्वेंस स्ट्रक्चर है इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर्स सो दै इंस्ट्रक्शन एट स्मॉलर लाइन नंबर्स आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट दैन इंस्ट्रक्शंस एट ग्रेटर लाइन नंबर्स स्टूडेंट्स सीक्वेंस स्ट्रक्चर में प्रोग्राम्स लाइन नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होते हैं यानी कि ऐसी लाइन जिसका लाइन नंबर सबसे छोटा है वो सबसे पहले एक्जीक्यूट होगी और इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में बाकी लाइन्स अकॉर्डिंग टू द लाइन नंबर एग्जीक्यूट होंगी स्टूडेंट्स सीक्वेंस स्ट्रक्चर में कोई भी कंडीशन नहीं होती सिंपली प्रोग्राम लाइन नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है अगर हम दूसरे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात करें लाइक सिलेक्शन लूप तो इनमें कोई ना कोई कंडीशन होती है और उस कंडीशन के फुलफ़िल होने के बाद कंट्रोल दूसरी लाइंस या दूसरी स्टेटमेंट्स तक ट्रांसफर होता है और इस ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में लाइन नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर को सामने नहीं रखा जाता इसकी एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं फर्स्ट लाइन में हमारे पास रिमार्क स्टेटमेंट है दिस प्रोग्राम डज नॉट ट्रांसफ़र कंट्रोल टू एनी स्टेटमेंट कंडीशनली और अनकंडीशनली द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम sequence इन which दे आर written. स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट थ्री lines में रिमार्क स्टेटमेंट यूज हुई है क्योंकि जो पॉइंट प्रोग्राम में add किया जा रहा है वो पॉइंट एक लाइन में कंप्लीट नहीं हो रहा है इसलिए हम फर्दर टू लाइंस में भी रिमार्क स्टेटमेंट के साथ ये पॉइंट कंप्लीट कर रहे हैं ये प्रोग्राम बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल के लिए है लाइन नंबर फोर्टी में रेडियस लिया है टेन पॉइंट फाइव एरे का फॉर्मूला है पाई आर स्केयर थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाइड बाई रेडियस मल्टीप्लाइड बाई रेडियस रेडियस को आर से रिप्रजेंट किया है नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की है एरिया इक्वल साइन ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट होगी नेक्स्ट एरिया यहाँ पे लाइन नंबर फिफ्टी की डेटा वैल्यू प्रिंट होगी लास्ट लाइन नंबर सेवेंटी इज़ द एंड ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में कंट्रोल लाइन नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र हुआ है और प्रोग्राम स्मॉलर लाइन नंबर से लार्जर लाइन नंबर तक एग्जीक्यूट हुआ है इस प्रोग्राम में कोई भी कंडीशन नहीं थी सिंपली तमाम लाइंस तमाम स्टेटमेंट्स अपने लाइन नंबर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो गई हैं ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर की एग्जांपल है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल इन डी डब्ल्यू बेसिक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम द प्रोग्राम कंट्रोल कैन भी ट्रांसफ़र्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अन अदर कंडिशनली और अनकंडिशनली स्टूडेंट्स डी डब्ल्यू बेसिक में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कंट्रोल प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र हो सकता है और ये ट्रांसफ़र बगैर किसी कंडीशन के भी हो सकता है या किसी कंडीशन को फुलफ़िल करने के बाद भी हो सकता है देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल फर्स्ट इज़ unconditional ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इन unconditional ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल द प्रोग्राम कंट्रोल switches टू अ स्पेसिफिक लाइन by skipping वन और मोर lines विदाउट एनी कंडीशन यानी कि प्रोग्राम की किसी भी लाइन में सिंपली एक इंस्ट्रक्शन लिखी हो कि इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद दरमियान वाली कुछ लाइंस को स्किप करके इस लाइन तक कंट्रोल शिफ्ट करना है तो ये बगैर किसी कंडीशन के है। दूसरी टाइप है इन कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन नंबर बाय स्किपिंग वन और मोर प्रोग्राम लाइंस डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन स्टूडेंट्स दूसरी टाइप में हो सकता है कि प्रोग्राम की किसी लाइन में कोई कंडीशन गिवन हो कि इस कंडीशन की वेरिफिकेशन के बाद या प्रोग्राम में अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस लाइन तक ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा दरमियान वाली कुछ लाइंस स्किप होंगी कंडीशन फुलफिल होने के बाद कुछ लाइंस स्किप होने के बाद कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस स्पेसिफिक लाइन तक नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि लाइंस में ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन होती हैं जिनके अकॉर्डिंग कंट्रोल शिफ्ट होता है प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही टॉपिक थ्री